जिसे पर्यटन स्थल घोषित करने का ऐलान आपने ही किया था, वो सिर्फ आश्वासन बनकर रह गया। वहाँ किसान अपनी जमीन के मुआवजा के लिए अभी भी भटक रहे हैं। आपकी उदासीनता का ही नतीजा है कि औरंगाबाद मेडिकल कॉलेज की अहर्ता रखते हुए भी वंचित रहे। जनप्रतिनिधि कहीं न कहीं असुरक्षित और भयभीत है, फिर इसे जनता राज कहें या गुंडा राज। रोहतास का भी हाल वही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स, मैं हूं आपके साथ रोहित। इन दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर हैं और आज उनका समाधान यात्रा रोहतास जिले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समाधान यात्रा को लेकर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला है और कहा, साफ साफ कहा है कि आप रोहतास जिले में समाधान यात्रा करने गए हैं लेकिन पूरे रोहतास जिले में अराजकता का माहौल है। और वहीं उन्होंने ये भी कहा कि रोहतास जिले के जो किसान हैं अपनी मुआवजे की मांग को लेकर दर दर भटक रहे हैं और आप समाधान यात्रा कर रहे हैं। और वहीं आपको बता दें कि विजय सिन्हा ने ये भी कहा कि औरंगाबाद के जो सूर्यस्थली है देव, उसको आपने पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा की थी लेकिन आपने वो वादा भी आप भूल गए हैं और भी क्या कुछ करें। विजय सिन्हा, आप देखिए इस वीडियो में। माननीय मुख्यमंत्री जी, रोहतास के किसानों की कमर तोड़ औरंगाबाद को ठग कर आप पिकनिक मनाने यहाँ आ रहे हैं। नीतीश जी, अपनी विदाई यात्रा के पहले सरकारी धन का इस तरह दुरुपयोग करना आप पर शोभा नहीं देता है। औरंगाबाद में ऐतिहासिक सूर्य स्थली देव जहाँ त्रेता युगिन सूर्य मंदिर है, जिसे पर्यटन स्थल घोषित करने का ऐलान आपने ही किया था, वो सिर्फ आश्वासन बनकर रह गया। वहाँ किसान अपनी जमीन के मुआवजा के लिए अभी भी भटक रहे हैं। उसका समाधान कब होगा ये आपको बताना चाहिए, वहाँ की जनता के समस्याओं का समाधान करना चाहिए। नीति आयोग द्वारा पिछले बजट सत्र में औरंगाबाद के लिए मेडिकल कॉलेज हेतु भूमि प्रस्ताव की मांग की गई थी, वह आपकी उदासीनता का ही नतीजा है कि औरंगाबाद मेडिकल कॉलेज की अहर्ता रखते हुए भी वंचित रह गया। आपकी उदासीनता के चलते ही अब तक औरंगाबाद में कृषि विश्वविद्यालय का लाभ नहीं मिल सका है। औरंगाबाद में शिक्षा विभाग सिसक रहा है, छात्र अध्ययन के लिए पलायन को मजबूर है, उच्च शिक्षा का हालत बद से बदतर है, कानून व्यवस्था भी ध्वस्त है। यहाँ माननीय सांसद और माननीय विधायक तक को धमकी मिल रही है। जनप्रतिनिधि कहीं न कहीं असुरक्षित और भयभीत है, फिर इसे जनता राज कहें या गुंडा राज। रोहतास का भी हाल वही है, पूरी तरफ अराजकता का माहौल बना हुआ है। यहाँ नल जल योजना का काम सिर्फ 50% हुआ है, उसमें भी 80% फेल है, बंद है। माननीय मुख्यमंत्री जी, अरवा चावल पर रोक लगाकर यहाँ के किसानों की जीविका ही खत्म कर दी। लाखों की लागत से इन्होंने अरवा चावल मिल शुरू किया था, आपने ही तो नीति बनाया था, वही पॉलिसी को फिर बदल करके सरकार का द्वारा जो प्रावधान अरवा चावल की कुटाई होगी आपने उस प्रावधान को बदला, लेकिन बाद में उसना चावल का फरमान जारी कर करके आप इस मामले को, हमने दिसंबर के विधानसभा सत्र में भी उठाया था। माननीय मुख्यमंत्री जी, किसानों की समस्या का समाधान जल्द से जल्द करें। अभी आपने देखा जो नेता प्रतिपक्ष है विजय सिन्हा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समाधान यात्रा पर तंज कसते हुए साफ साफ कहा है कि आपने जो औरंगाबाद की में जो देव सूर्य स्थली है उसको आपने पर्यटन स्थल का घोषणा किया था, बनाने का घोषणा किया था लेकिन आप वो अपना वादा भूल गए हैं। तो इस बार आप गए हैं तो क्या ये बात बताएंगे कि आप उसको पर्यटन स्थल कब बनाएंगे। और वहीं उन्होंने भी कहा कि पूरे रोहतास जिला में अराजकता का माहौल है, आप रोहतास जिला में जाकर समाधान यात्रा कर रहे हैं और भी क्या कुछ कर रहे थे नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा, आपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें, तब तक के लिए धन्यवाद।